हेलो फ्रेंड्स, टैलेंट ट्यूटोरियल सीरीज की आज के वीडियो में हम लोग कंसेंटर का एक अनोखा यूज करना सीखेंगे। कभी कभी जब हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं या किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर सकते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम हम लोग के सामने आती है, तो उस कॉमन प्रॉब्लम को इसमें हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और टैली ट्यूटोरियल सीरीज के अन्य वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैली ट्यूटोरियल सीरीज का प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके सारी वीडियो को क्रम से रखी हुई है देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले, मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप एमएस ऑफिस अकाउंटिंग में टैली डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपिंग में मास्टर और एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज कुछ नया जान लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक एमएस ऑफिस में मैंने एक चीज बनाया हुआ है। जैसे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम कोई सैलरी पेमेंट करते हैं, जैसे हमने सैलरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट किया, हमने ट्रांजेक्शन एंट्री पेमेंट वाउचर में पास किया सैलरी 30,000, इसमें हमने तीन व्यक्ति को सैलरी दिया, रवि, श्याम, रविंद्र। तो रवि, श्याम और रविंद्र तीन व्यक्ति हो गए, तो रवि 15,000, श्याम हो गया 10,000 और रविंद्र हो गया 5,000। अब इसकी एंट्री हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है इसकी एंट्री करने के लिए, क्योंकि हम लेजर तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि हमें इंडिकेट केवल इनका नाम से करना है। तो हम कास्ट सेंटर से इसका यूज बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कमीशन हमारा है 10,000 हमें मिल रहा है और ये वाराणसी क्षेत्र से 4,000 कमीशन आया, मऊ से 4,000 और चंदौली जिले से हमारा 2,000 का आया है। तो हम कास्ट सेंटर का यूज करके इन सारे लेजर की एंट्री बड़े आसानी से हम लोग वाउचर्स में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए टैली में हम लोग चलते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम एक नई कंपनी बना लेते हैं, Altap 3 से एक कंपनी बना लिया और कास्ट सेंटर के नाम से हमने इसका यहाँ पे एक नाम हमने रख दिया, कास्ट सेंटर के नाम से हमने एक कंपनी बनाया और इसमें इसको हमने सेव कर लिया। कंपनी को सेव करने के बाद हम अकाउंट इन्फो में जाके एक लेजर बनाते हैं और इसके पहले हम F11 करके या फोन करके कास्ट सेंटर को हम एक्सट्रीव कर लेते हैं। यहाँ पे यस कर लेंगे, इस ऑप्शन पे यस करते ही और इस स्क्रीन को एंटर करते हुए सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप सैलरी, हमारा एक लेजर था सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, हम इसका लेजर बनाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कास्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, बिल्कुल मुझे कास्ट सेंटर एप्लीकेबल करना है। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल था कमीशन, कमीशन हमारा इनडायरेक्ट इनकम है क्योंकि हमें इनकम मिल रहा है। अब इसको एंटर कर देते हैं, कास्ट सेंटर एप्लीकेबल में बिल्कुल यस करना है। अब हम आते हैं कास्ट सेंटर अकाउंट इन्फो के कास्ट सेंटर पे आते हैं। कास्ट सेंटर पे अगर हमने देखें हमारा जो एग्जांपल था उसमें दिखा हुआ है कि रवि, श्याम, रविंद्र, तो रवि और श्याम और रविंद्र का हम कास्ट सेंटर बनाएंगे। एंटर करते हुए रवि, श्याम इसको भी एंटर कर दिया और फिर उसके बाद रविंद्र इसको भी हमने एंटर कर दिया, ये हमारा कास्ट सेंटर बन गया। दूसरा कमीशन्स में हमारा था वाराणसी, मऊ और चंदौली, तो वाराणसी में हम यहाँ पे वाराणसी और फिर मऊ और फिर नेक्स्ट है चंदौली और यहाँ से हमने एंटर से सेव कर दिया। अब हम जाते हैं पेमेंट वाउचर में, तो इसके ऐप से बाहर आते हैं, गेटवे ऐप टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम पेमेंट वाउचर्स में जाते हैं, पेमेंट वाउचर हमारे सामने खुला हुआ है। सैलरी हम पेमेंट कर रहे हैं 30,000 रुपये और किन किन व्यक्तियों को हम दे रहे हैं यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से स्क्रीन पे। रवि को 15,000, श्याम को 10,000 और रविंद्र को 5,000, यानी पहले हमारा रवि है 15,000, यहाँ पे हमने 15,000 कर दिया। श्याम हमारा है 10,000 और सॉरी 10,000 यहाँ पे देना है और यहाँ पे हमारा रविंद्र है, यहाँ पे इनको 5,000 देना है। इस तरीके से एंट्री करके अब हमें कैश में एंट्री पास करना है। देखिए कितने आसानी से हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जब हम वाउचर एंट्री करते हैं तो आता है, तो इस तरीके से हम कास्ट सेंटर में डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर हमें रिसिप्ट मिल रहा है कमीशन तो F6 पे करके हम या F6 पे यहाँ पे प्रेस करके कमीशन पे आ जाते हैं। कमीशन पे हम लोग एंटर कर लेते हैं,
कमीशन, अगर हम फिर से स्क्रीन क्वेश्चंस पे जाते हैं तो कमीशन हमें 10,000 मिल रहा है वाराणसी मऊ चंदौली चार चार और 2,000, तो यहाँ पे हम 10,000 एंट्री पास करते हैं और वाराणसी से हमें जो आ रहा है 4,000 का और मऊ से जो हमारा आ रहा है 4,000 का और यहाँ से ये वाराणसी सॉरी चंदौली तो अभी नहीं जी चंदौली बनाया हुआ था चंदौली 2,000 रुपया और यहाँ से फिर कैश के थ्रू हमने एंट्री रिसीव कर लिया। तो देखिए हमारा बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया था। किसी भी एक्सपेंस के पार्टिकुलर पर्सन्स को दिखाना या किस वे से हमारा इनकम आ रहा है इस चीज़ को दिखाने के लिए हम कास्ट सेंटर का बहुत ही आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कास्ट कैटेगरी और कास्ट सेंटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही मेन था जो बहुत प्रॉब्लम आती थी हम लोग को। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।